पिहोवा वार्ड नंबर 7 में सड़क पर 3 दिन से मृत पड़े गौवंश की बदबू से लोग परेशान हैं। इस मरे पड़े गौवंश की बीमारी फैलने का खतरा कॉलोनी वासियों को सता रहा है। आपको बता दें, वैसे तो गौ को माता का दर्जा दे रखा है सरकार ने, और गौ के नाम पर लोगों से वोट भी मांगते हैं, और कई गौ रक्षक दल भी बने हैं और कई गौ सेवा संस्थान भी बने हैं, लेकिन सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए गौ माता के नाम पर पैसे ले गुम हो जाते ही संस्थान नहीं ले गई कोई गौ माता की सुध। और इसी रोड पर दूरी पर छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल भी है, साथ में सरकारी अस्पताल और पुलिस थाना में 2 सरकारी स्कूल भी हैं। इसे पिहोवा का VIP रोड भी कहा जाता है, लेकिन इस रोड का हाल ये है कि बाकी सारा शहर तो राम भरोसे ही चल रहा है। फिलहाल तो सरकार की साफ सफाई के दावे पिहोवा में फेल होते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोई सुधार हो या पता नहीं। किया जा रहा है पॉलिथिन के प्रति, प्लास्टिक के प्रति, लोग फिर भी सरकार की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो 3-4 दिन पहले से गायें मरी पड़ी है, तो इसको भी अनदेखा किया जा रहा है। कहाँ गए यार गौ रक्षा वाले, गौ माता को गौ माता कहने वाले? पीछे 2 गौशाला खुली हुई हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उनके जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं आज वो भी इनकी अनदेखी कर रही है। इनके नाम से गवर्नमेंट वोट मांगती है, पैसे इकट्ठे करती है सामाजिक संस्थाएं, तो आज इनकी अनदेखी क्यों? आज की अनदेखी क्यों? किसी वोट बैंक के लिए? और साथ में प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, बीमारी का इतना खतरा है कि लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं, और मेन रोड है ये, इधर आगे सरकारी हॉस्पिटल भी है, पुलिस स्टेशन भी है, आगे 2 गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, तो एक कहने को तो VIP रोड कहा जाता है, लेकिन यहाँ गंदगी कितना आलम है आप देख सकते हो।